हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है वीज़ा और वीज़ा। आज की जो हमारी ट्रैवल अपडेट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रैवल अपडेट शेंगेन कंट्रीज से जुड़ी है, कनाडा वीज़ा सेंटर से जुड़ी है और VFS में कितने जो है कैटेगरीज ओपन हो चुके हैं, कौन कौन से वीज़ा ईजिली मिल रहे हैं उसके बारे में है। तो छोटा सा वीडियो है, जो भी लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक वीडियो को देखिए, बहुत यूज़फुल आपको ट्रैवल अपडेट ये मिलेगी। लास्ट ईयर की तरह फ्रेंड्स, इस साल भी धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ जो हैं ओपन हो रही हैं, चाहे वो फ़्लाइट्स की बात हो या वीज़ास की बात हो, उससे रिलेटेड चीज़ों को धीरे धीरे टाइम लग रहा है खुलने में। लेकिन आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के वीज़ा लग रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजीली। रशिया की ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज लग रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका फ़्लाइट्स का कि आपको फ़्लाइट्स वीज़ा से पहले फ़्लाइट देखनी है, क्योंकि फ़्लाइट जो है मई के बाद आप बुक करेंगे, जून से, तो ही आप उसके अकॉर्डिंग जा पाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको वीज़ा लेना है। ऑलमोस्ट वर्क और विजिट और आपका वन ईयर का जो इनका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो सब मिल रहा है। रशिया के लिए आप दिल्ली से, दिल्ली सेंटर है, मुंबई सेंटर है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लॉकडाउन कि कौन सी जो स्टेट है वहाँ पर लॉकडाउन नहीं है और वीज़ा सेंटर ओपन है। तो सबसे पहला जो हमारा जो कंट्री है वो है रशिया, जहाँ का वीज़ा आप ईजीली अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं वीज़ा वहाँ का। दूसरा हम बात करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने लास्ट ईयर भी अपनी जो प्रोसेसिंग थी वो काफ़ी लॉन्ग रन की थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अपना लॉकडाउन में भी काफ़ी काम किया था, वीज़ाज इशू किए थे। तो इस बार भी जो है यूके कर रहे हैं, यूके के सेंटर्स ओपन है VFS के, यूके में आप सबमिशन कर सकते हैं। 6 मंथ्स का वो वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन वो भी फ़्लाइट्स पे डिपेंड है क्योंकि इंडिया की फ़्लाइट्स जो है वो जा नहीं रही हैं इंटरनेशनली काफ़ी कंट्रीज़ से। तो आपको वाया किस तरह जाना है वो रूटिंग बनानी है, वो आप अपने लोकल एजेंट से पूछ सकते हैं। वीज़ा के लिए 6 मंथ्स का वीज़ा है, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके यूके का वीज़ा ले सकते हैं। शर्त है इसमें क्वारंटाइन की। आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि क्वारंटाइन आपको अब हर कंट्री में ऑलमोस्ट क्वारंटाइन आपको देखना पड़ेगा अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है। तीसरा जो देश है वो है टर्की। टर्की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लास्ट ईयर के लॉस की वजह से सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कंट्री का ट्रैवल जो है, टूरिज्म और ट्रैवल जो है उसको बढ़ाएं। उसके लिए उन्हें लोग चाहिए, लोगों को बुलाना है, तो वीज़ा से लेके हर चीज़ में रिलीफ है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इतना टफ नहीं है, टर्की का वीज़ा भी ईजिली इशू हो रहा है। अभी भी काफ़ी जो है VFS में एप्लीकेशन आ रही हैं टर्की की, लेकिन वो आ रहे हैं मई जून के बाद की फ़्लाइट्स बुकिंग है उसमें। अगर आप फ़्लाइट टिकट दिखाएंगे तो 1-1.5 महीने बाद के दिखाइए, जब चांसेस हैं फ़्लाइट ओपन होने के। इवन शो भी उसी टाइम पे कर रहा है फ़्लाइट अगर आप बुक करेंगे तो। मई में आपका, जून में आपका बहुत कमी से फ़्लाइट्स हैं, लेकिन जुलाई में, अगस्त में अगर आप करेंगे और उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप करा सकते हैं। इसमें फ़ायदा आपका ये है, टर्की जो है 2 साल की जो है मोहलत दे रहा है, 2 साल का मतलब टाइम दे रहा है आपको वीज़ास के ऊपर ट्रैवल करने का। उन 2 सालों में आप कभी भी 1 महीने के लिए टर्की में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है उनका जो एक ऑफ़र है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इसकी वजह से उन्होंने लोगों देखा कि भाई कुछ कंट्रीज़ में लॉकडाउन होगा तो लोग वीज़ा लगवा के रख लें, 2 साल के बीच में कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो टर्की के लिए भी आप जो है सबमिशन कर सकते हैं, VFS में ही वहाँ टर्की का सबमिशन होता है। नेक्स्ट इज़ यूक्रेन। यूक्रेन के वीज़ा प्रोसेसिंग भी ईजिली हो रही है, सेम VFS के वीज़ा सेंटर में आप जाके प्रोसेस कर सकते हैं यूक्रेन का वीज़ा। लेकिन इसमें भी वही शर्त है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो जून के एंड की आप फ़्लाइट बुक कीजिए, जब तक आपको फ़्लाइट्स अवेलेबल होगी वीज़ा आपका इशू हो जाएगा। उसके बाद आपको यूक्रेन में जाके भी 14 डेज़ क्वारंटाइन होना है। क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, उसके बाद आप यूक्रेन में अपने पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर सकते हैं या जो भी आपका पर्पज़ है आप जा सकते हैं। यूक्रेन के लिए वीज़ा मिल रहा है, आप वॉक इन कर सकते हैं, इवन आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं यूक्रेन के लिए। VFS खुला है यूक्रेन के लिए, काफ़ी हद तक कंट्रीज़ जो है VFS जो है रन कर रहा है, लॉकडाउन में भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो वीज़ा जो है इजीली यूक्रेन का आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दुबई की। दुबई के लिए अगर आप चाहें तो दुबई का वीज़ा पहले फिंगर टिप के बराबर होता था कि आपने इशारा किया और दुबई का वीज़ा 2 दिन में आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुबई के वीज़ा में भी टाइम लग रहा है और दुबई के लिए फ़्लाइट्स भी ओपन नहीं है, तो लोग वाया रशिया, वाया किर्गिस्तान, वाया उज़्बेकिस्तान, वाया आर्मेनिया दुबई जाने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कभी कभी सीट्स मिल रही हैं, कभी सीट्स अवेलेबल नहीं है। सीट्स की अनअवेलेबिलिटी बता रही है कि दुबई के लिए लोग कितना जाना चाह रहे हैं, क्योंकि दुबई, थाईलैंड ये ऐसी ट्रैवल का डेस्टिनेशन है और वर्क के लिए लोग इतना जाते हैं यहाँ पर कि बहुत ही सस्ती और चीप हैं और यहाँ पर अच्छे पैसे जो हैं, जो एक्सपेक्ट हैं दुबई में काम करने वाले उन्हें मिलते हैं।
तो उन लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि आप भी जून और जुलाई के एंड तक का अपना वीज़ा का प्रोग्राम बनाइए, ताकि आपकी फ़्लाइट जो है आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आपको वाया क्वारंटाइन पैकेज लेके जाना पड़ेगा। इवन दुबई में भी अगर आप जाएंगे ट्रैवल के लिए तो वहाँ भी 14 डेज़ का क्वारंटाइन है। वीज़ा फ़ीस सेम है, लेकिन आप वीज़ा ले सकते हैं दुबई का, लेकिन ट्रैवल प्लान आप काफ़ी आगे का कीजिए, जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, तो दुबई का वीज़ा भी इजीली इशू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उस कंट्री की जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए, जिसका नाम है कनाडा। कनाडा मोस्ट विजिटेड कंट्री है पंजाबियों के लिए, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पंजाब से लोग जाते हैं, तो बहुत क्वायरीज आती हैं एम्बेसी में। इवन सबसे ज़्यादा आपको VFS के कनाडा सेंटर में पंजाबी मिलेंगे, जिनके बहुत ज़्यादा जो है क्वायरीज हमारे पास भी आ रही हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपका बहुत अर्जेंट ट्रैवल है और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप VFS दिल्ली में कनाडा का जो वीज़ा सेंटर है वहाँ सबमिशन कर सकते हैं, बट ऑनलाइन ईमेल करके आप उनसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि इस तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आप रजिस्टर करके उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपका बहुत अर्जेंट ट्रैवल है, उसका एक वैलिड रीज़न देना होगा आपको, तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं या टूरिस्ट हैं जो भी हैं, वो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो है रजिस्टर करना होगा अपने आप को। वो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कनाडा का। उसके बाद आपको एम्बेसी से जो है कांटेक्ट करना होगा, एम्बेसी यानी कि VFS कनाडा दिल्ली से, जिनके पास सारे ऑथराइजेशन है एम्बेसी का काम करने के। तो उन लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ईजिली कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। इस बीच अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं VFS की, उसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं। कनाडा के लिए इजीली फ़्लाइट अवेलेबल हो गई है, वीज़ा कैटेगरी सभी खुल गई हैं, या स्टाफ पूरा आ गया है VFS में और वो अच्छे से प्रोसेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा काउंट है, तो आप इजीली सारी एप्लीकेशंस के लिए डायरेक्ट वॉक इन कर रहे हैं, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, आने वाले कुछ महीने में आपको अपडेट मिल जाएगी कि किस तरह से वीज़ा मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रैवल अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। इस ट्रैवल अपडेट्स को आप अपने फ्रेंड्स और इन सबसे शेयर कर सकते हैं, जितने भी अब तक मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आगे भी जो भी ट्रैवल अपडेट आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपके काम आएगी, यूज़फुल चीज़ है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली अपडेट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।